Welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all have started your preparation practice for evaluation 3. Children, you know that I'm revising the units of maths book for your evaluations, and I have already completed 3 units. Now, in my previous video, I have started unit 14, that is time. Children, I have told you that in this unit we will study time not only in hours or minutes, but also days of week, months of year and seasons. I have introduced the topic of clock. So clock hai wo maine start kiya tha first, because we have to start time with clock only. Minutes se hi hours bante hain, hours se hi days bante hain, days se hi weeks bante hain, aur weeks se fir मंथ बनते हैं. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. आपको मैंने क्लॉक बना के दिखाया था, और आपको मुझे इस क्लास में आपको मैं क्लॉक्स में कैसे टाइम मेंशन करते, हाउ टू रीड आवर्स टाइम बताऊंगी, हाउ टू रीड मिनट्स टाइम भी साथ में बताऊंगी आपको. ठीक है, आवर्स और मिनट्स दोनों ही आपको बताऊंगी किस तरह से हम रीड करेंगे. आई हैव शोन यू क्लॉक इन माई प्रीवियस वीडियो. एक आपको मैंने क्लॉक भी दिखाया था. आपको मैंने बताया था कि क्लॉक के फेस को क्या कहते हैं. चिल्ड्रन, फेस ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड डायल. उसको डायल बोलते हैं. नॉर्मली क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं. एक जो सबसे छोटा होता है, थोड़ा थिक होता है, उसको आर हैंड बोलते हैं. जो थोड़ा जो लंबा होता है उसे मिनट हैंड बोलते हैं, और एक पतला सा होता है, लंबा सा, उसे सेकंड्स हैंड बोलते हैं. लेकिन अभी आपको सिर्फ आवर्स और मिनट हैंड के बारे में पढ़ना है, सेकंड हैंड के बारे में नहीं पढ़ना. जो 3 निडल्स होते हैं, वी कॉल इट निडल्स और हैंड्स बोलते हैं क्लॉक के. जो सबसे थर्ड वाला है, सेकेंड वाला, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है. मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप जब अपने घर में क्लॉक को देखेंगे तो यू विल फाइंड 3 निडल्स, 3 हैंड्स. तो आपको ये ना लगे कि मैम ने तो सिर्फ 2 ही हैंड्स बताए थे, पर इसमें तो 3 हैंड्स हैं. इसीलिए आपको बता रही हूँ, जो थर्ड हैंड है वो सेकंड का होता है, पर वो अभी आपको अभी उसके बारे में नहीं पढ़ना है. इसीलिए उसको मैं कोई डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. चिल्ड्रन, जो पूरा क्लॉक है उसमें नंबर्स जो होते हैं 1 से 12 तक होते हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो. मैं फिर से एक बार बना दे रही हूँ इसको. चिल्ड्रन, दिस इज द डायल ऑफ द क्लॉक. क्लॉक कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी इन स्क्वायर फॉर्म, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी हेक्सागोनल. बहुत अलग अलग शेप्स में, साइज में क्लॉक्स मिलते हैं. कोई बहुत एक्सपेंसिव होता है, कोई थोड़ा सा कम अमाउंट में मनी में मिलता है, लेकिन टाइम सब सेम दिखाते हैं. देयर इज नो डिफरेंस इन द टाइम. ब्यूटी से टाइम का कोई मतलब नहीं है कि क्लॉक कितना ब्यूटीफुल है तो टाइम भी अकॉर्डिंगली ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. चाहे सिंपल क्लॉक हो, चाहे बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लॉक हो, टाइम सब में एक जैसा ही दिखाई देता है. चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे इनएक्सपेंसिव हो, महंगा हो या सस्ता हो, टाइम वो सेम ही बताएगा. ठीक है, तो ना ही उसके शेप से कुछ फर्क पड़ता है, ना ही उसके प्राइस से कुछ फर्क पड़ता है. टाइम इज टाइम. तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सर्कल बना रही हूँ. मोस्ट कॉमन आपको क्लॉक सर्कल या स्क्वायर में दिखता है, तो मैं अभी आपके लिए सर्कल मैंने बना के दिखाया था. And the numbers which are written over there. I have told you that generally clocks पर तो number लिखा ही होता है, but most of the time कभी आप देखेंगे कि clock पर number नहीं भी लिखा होता है, then also people read, time पढ़ लेते हैं, time बता देते हैं. तो ये ऐसा इसलिए होता है कि clocks में जो numbers होते हैं वो fixed होते हैं, उनका place जो होता है वो fixed होता है. एंड वंस इट इज देयर इन योर माइंड, आपको एक बार नंबर का पोजिशन पता चल जाएगा, देन यू कैन ऑल्सो रीड इवन इफ द नंबर्स आर नॉट मैंशनड. अगर नंबर नहीं भी मैंशन है तब भी आप क्लॉक रीड कर पाएंगे, अगर आपको नंबर की प्लेस अगर एकदम क्लियर हो जाएगी. जो मैंने आपको बताया था कि 12 का यही पोजिशन होगा, हमेशा यही पर होगा, किसी भी क्लॉक में 12 यही होगा, और ठीक उसके नीचे 6 होगा. कि कोई भी शेप साइज कलर का क्लॉक है, 12 ऊपर होगा, 6 उसके साइड में होगा, इस तरफ में 3 होगा और इस तरफ में 9 होगा. ठीक है,
12 के बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 तो नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, these numbers are fixed. और एक बार आपको पता चल गया कि कौन सा नंबर कहाँ होता है, तो फिर नंबर हो या ना हो आप आराम से कर सकते हैं. पर अभी हम नंबर्स के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे. और मैंने आपको पिछले बार आपको ये क्लॉक दिखाया था जिसमें 1 से 12 तक ऑलरेडी नंबर्स आर रिटन, इस पे नंबर्स लिखे हुए. यू कैन सी दैट 12 है, 12 के ठीक नीचे 6 है, इधर 3 है और इधर 9 है. ये फिक्स्ड है उसका प्लेस नंबर्स का. तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो छोटा वाला हैंड होता है जिसको आर्स हैंड बोलते हैं, वो जहां भी जिस नंबर पर भी होगा टाइम उतना ही हो रहा होता है. और बड़ा नेट जो हैंड है वो 12 पे होना चाहिए. द मिनट हैंड शुड बी ऑन 12, मिनट हैंड शुड बी ऑन 12, और आर हैंड जिस भी नंबर पे होगा टाइम उतना ही हो रहा है. एग्जाम्पल में आपको मैं बता दे रही हूं फिर से एक बार, लाइक दिस. ये अब जो बड़ा वाला हैंड है वो 12 पर है, ठीक है, और जो छोटा वाला है वो 1 पर है. इट मीन्स टाइम इज 1 o'clock. 1 पे जिस पे भी छोटी निडल है, आर जो छोटा निडल है उसको आर हैंड बोलते हैं. तो जिस नंबर पर भी आर हैंड है दैट इज द टाइम. आर हैंड 1 पे है तो 1. अब इसको हम इधर, यू कैन सी दैट आर हैंड इज ऑन 2. जो छोटा वाला हैंड है वो 2 पे है, मतलब 2 o'clock. लेकिन जो मिनट हैंड है वो 12 पे होना चाहिए, ठीक है. अब देखिए, नाउ यू कैन सी द मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड आर हैंड इज ऑन 3. तो आर हैंड जो छोटा वाला हैंड है जिसको एच ओ यू आर हैंड बोलते हैं, वो 3 पे है, मतलब 3 o'clock. फिर अगर नाउ यू कैन सी द स्मॉलर हैंड इज ऑन 4. आर हैंड इज ऑन 4 एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12, सो इट इज 4 o'clock. लेट मी चेंज इट अगेन. नाउ यू कैन सी द आर हैंड इज ऑन 5 एंड मिनट हैंड इज ऑन 12, सो इट इज 5 o'clock. Now it is 6 o'clock. Minute hand 12 पे है और आर हैंड 6 पर है, तो 6 o'clock. और जब 6 बजते हैं, जब 6 o'clock होता है, तो यू कैन सी दैट द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, वो बिल्कुल आधा आधा हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं. दिस इज 7 o'clock. 7 पे है, आर हैंड इज ऑन 7, सो 7 o'clock. मिनट हैंड शुड बी ऑन 12. Now it is 8 o'clock. ठीक है, 8 o'clock. Then we have 9 o'clock. ठीक है, छोटा हैंड जो है आर हैंड 9 पे है, तो 9 o'clock. Similarly, now the आर हैंड इज ऑन 10, so it is 10 o'clock. And then आर हैंड इज ऑन 11, so it is 11 o'clock. ठीक, 12 o'clock में क्या होगा? 12 o'clock में both the needles will be on the same 12. आपको छोटी needle नहीं दिख रही है क्योंकि वो बड़ी needle के नीचे है. ऐसा ही होता है 12 o'clock में, छोटी वाली जो needle है आर हैंड जो है वो मिनट हैंड के नीचे छुप जाती है. एंड इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज 12 o'clock. ठीक, चलिए, ये तो मैंने आपको थ्रू क्लॉक्स बता दिया. लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि वन डे हैज 24 आवर्स. वन डे इक्वल्स टू 24 आवर्स. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन यहां तो 12 ही नंबर्स हैं. पूरे दिन भर में क्या 12 ही आवर्स होंगे? फिर ऐसा नहीं होता है. जो निडल्स होती है अब उनका हम देखेंगे, जो आर हैंड है वो पूरे दिन भर में पूरे क्लॉक का 2 चक्कर लगाता है. इट टेक्स 2 राउंड ऑफ द होल क्लॉक. जो आर हैंड है वो 1, अगर 12 o'clock रात के 12 बजे, ठीक है, बड़ा निडल इसके ऊपर है,
दिस इज 12 o'clock एट नाइट मान के चलते हैं। आपको मैं वो भी बताऊंगी जहां 13-14 लिखा होता है, पहले इसको मान लेते हैं। ये रात के 12 बजे है, 12 o'clock मिड नाइट, रात है तो उसको मिड नाइट बोलेंगे, ठीक। उसके बाद जो है ये जो मिनट है इट विल स्टार्ट मूविंग एंड जब ये पूरा एक राउंड लगा देगी, पूरा एक राउंड लगाएगी तो जो आपका आर है इट विल मूव ऑन टू 1, यानी अब रात के 1 o'clock हो चुके हैं नाइट, ठीक। फिर उसके बाद अगेन जो मिनट है जब वो एक और राउंड लगाएगी फिर से, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है तो फिर ऐसे 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 एक राउंड लगाएगी, 12 बजे जब पहुंच जाएगी तो ये वाला जो निकल है वो 2 पे आ जाएगा एंड इट विल बी 2 o'clock, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, फिर से ये वाला जो बड़ा निकल है मिनट है इट विल स्टार्ट मूव ऐसे 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 मूव कर करके करके, फिर जब 12 पे जैसे ही पहुंचेगी ये वाला जो है ये 3 पे आ जाएगा एंड इट विल बी 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग वाला 3 o'clock। फिर क्या होता है अगेन ऐसे ही फिर ये ऐसे 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 मूव करके जब यहाँ पे फिर पहुंचेगी तो ये 4 पे आ जाएगा छोटा निडल। तो जैसे ही बड़ी निडल, बड़ी वाली निडल जो मिनट है अपना एक राउंड कंप्लीट करती है तो छोटा निडल एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करता है, गॉट इट। बड़ी निडल जैसे ही अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी छोटा निडल एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहा है, अब ये यहां पर आ गया, मतलब मॉर्निंग में 5 o'clock हो गया, ठीक है। अब फिर से छोटी निडल जो मिनट है एक राउंड लगाएगी, वो अपना एक राउंड जब कंप्लीट करती है तो छोटी निडल एक नंबर मूव करती है, गॉट इट। अब 6 o'clock हो गया मॉर्निंग के, फिर एक और राउंड कंप्लीट किया तो 7 o'clock इन द मॉर्निंग, देन इट कंप्लीटेड 1 more round इट विल रीच 8 o'clock, ओके। जैसे जैसे मिनट राउंड अपना एक एक राउंड कंप्लीट करेगी आर का जो हैंड है वो एक एक नंबर मूव करता जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी 8 पे गया, फिर मिनट हैंड फिर जैसे एक और राउंड कंप्लीट किया तो ये एक नंबर और शिफ्ट हुआ। अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, मॉर्निंग के 9 o'clock हो रहे हैं, आपके ऑनलाइन क्लास के टाइम हो गए 9 o'clock। फिर ऐसे ही फिर एक और राउंड कंप्लीट करेगी तो वो 10 पे पहुंचेगा, फिर एक और राउंड तो 11 पे पहुंचेगा और फिर एक और राउंड तो ये वापस 12। अब ये दोपहर के 12 बज गए, 12 noon, दोपहर के 12 बज गए आपके 12 noon हो गए, ठीक है, 12 noon हो गए। 1 से लेकर पूरा 12 तक छोटी वाली निडल ने चक्कर लगाया, जो आर हैंड है 12 से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 करते करते वापस 12 पे पहुंच गया, मतलब कितना हो गया पूरा 12 hours हो गए, 12 के आगे से 1 2 3 4 12 hours हो गए, एक चक्कर कंप्लीट हो गया दोपहर के 12 बज गए, 12 noon हो चुका है, इट इज 12 noon नाउ। अब वापस दोपहर के बाद से फिर से एक और राउंड अप शुरू होगा छोटे वाले निडल का, जो छोटा हैंड है आर हैंड है उसका एक और राउंड फिर से स्टार्ट होगा अब 12 noon के बाद, ठीक है। तो ये जो दूसरा राउंड शुरू होगा तो फिर से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके रात के 12 बजे तक ये सर्कल फिर से चलेगा, और ये सर्कल फिर से कैसे चलेगा, अगेन ये वही सिस्टम रहेगा इसका, जो 1 o'clock होता है वो शुरू हो जाएगा, ठीक। फिर अगेन
क्लॉक के राउंड लगाती है नंबर बाय नंबर, ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो कितनी बार लगाती है, 24 राउंड्स लगाती है। हर बार एक राउंड लगाएगी तो एक नंबर मूव होता है, तो पहले 12 बार राउंड लगाती है, फिर 12 बार राउंड लगाती है, मतलब जो मिनट हैंड है वो 24 टाइम्स राउंड लगाती है, ठीक है। मिनट हैंड 24 बार लगाता है। अभी मैं आपको उसको क्लॉक के हेल्प से भी समझा दूंगी इस चीज को, ठीक है। क्लॉक के इससे भी मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए अभी ये क्लॉक है, अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, ये है आपका 12 o'clock, रात के 12 बजे हुई, 12 o'clock है, ठीक है। अब ये बड़ी वाली जो निडल है, थोड़ा सा ये क्योंकि टाइट है, बड़ी वाली निडल पूरा एक राउंड जब ऐसे 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 ये पूरा कंप्लीट कर लेगी तो छोटी निडल जो है वो 1 पे पहुंच जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से बड़ी निडल ने एक राउंड लिया, बिट टाइट, ये 1 पे है। अब फिर बड़ी निडल ने एक और पूरा ऐसे राउंड लिया और राउंड लेके जब ये 12 पे आएगी तो ये वाली निडल 2 पे आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या होगा, फिर ये 2 पे ही है, ये तो अभी 2 पर ही है, फिर बड़ी निडल जो है वो एक राउंड और ऐसे लगा के जब आएगी तो ये वाली 3 पे चली जाएगी, फिर ये 3 पे है, फिर ये एक राउंड ऐसे लगाएगी पूरा घूम के, जब ये जैसे ही 12 पे जाएगी ये 4 पे आ जाएगा। तो जितनी बार ये बड़ी वाली निडल एक एक राउंड लगाएगी, ये एक एक नंबर ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, तो टोटल जो है आपका जो ये बड़ी वाली जो निडल है ये ऐसे घूमते 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 पहले एक राउंड में एक नंबर, फिर एक और राउंड में एक और नंबर, ऐसे करते 12 राउंड्स में छोटी वाली निडल का एक राउंड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बड़ी निडल जो है वो 12 राउंड्स फिर 12 राउंड्स, मतलब 24 राउंड्स दिन पूरे दिन भर में लगाती है, ठीक है, 24 राउंड्स। और जो आर हैंड है वो 2 राउंड्स लगाते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली थी कि किसी किसी क्लॉक में आपको यहाँ पर 13 लिखा हुआ दिखेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24। चलो किसी किसी क्लॉक में ऐसा लिखा होता है, वैसे आपको बताया था कि 1 day has 24 hours, ठीक है, 1 day has 24 hours। तो आपने एक कभी टाइम जब लिखा हुआ देखा होगा, मोस्टली एएम एंड पीएम लिखा होता है, ठीक है, एएम एंड पीएम लिखा होता है, तो रात के मिडनाइट 12 रात के जो 12 बजते हैं, 12 o'clock को हम मिडनाइट बोलते हैं। उसके बाद से जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलता है ना, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock बोलते हैं हम, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, इसको हम बोलते हैं AM। क्या बोलेंगे, AM। और जैसे ही दोपहर के नून, जब 12 o'clock दोपहर के 12 बजते हैं, उसको हम 12 noon बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 12 noon। और फिर 12 noon के बाद जो 1 o'clock होता है वो PM होता है। क्या होता है, PM, AM एंड PM। तो जो दोपहर का 1 o'clock होता है वो होता है PM, 1 PM, 2 PM, 3, मतलब 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock तो बोलते हैं, लेकिन अगर आप AM PM में बोलेंगे तो दोपहर के जो 12 noon के बाद जो 1, 2, 3, 4 शुरू होता है वो PM होता है, और रात के जो 12 मिडनाइट के बाद जो 1, 2, 3 होता है वो AM होता है, ठीक है, AM एंड PM। तो क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं, हमें पता है कि 1 day में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने काउंट कर लिया रात वाला, ठीक है, मिडनाइट, 12 मिडनाइट के आगे से जो देखते हैं तो ये 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और दोपहर के
12 नून के पास शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो वो हो गया 24 आवर्स पूरे दिन भर में, वन डे में 24 आवर्स हो गए. ठीक है, अच्छा था. पर हम उसको 24 ओ क्लॉक नहीं बोलते, 23 ओ क्लॉक नहीं बोलते हैं, वो आवर्स में टाइम होता है, आवर्स में. ठीक है, उसको 1300 आवर्स, 1400 आवर्स, 1500 आवर्स पढ़ते हैं, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है. मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप क्लॉक पे ये सब चीजें जब देखोगे, वो वन डे में 24 आवर्स होते हैं, वो उसके लिए होता है कि 12 o'clock के बाद, दोपहर के 12 o'clock के बाद 13, 14, 15 वाली काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर रात तक वो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, दिन में अगर 10 बजे हैं तो उसको हम 1000 आवर्स बोलते हैं. ठीक है, लेकिन रात में अगर 10 बजे हैं तो उसको हम 2200 आवर्स बोलते हैं. दिन में अगर 3 o'clock है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 o'clock, 300 आवर्स. लेकिन अगर वही जो है दोपहर को अगर हो रहा है, दोपहर के अगर 3 बजे हैं तो उसको 1500 आवर्स बोलेंगे. ठीक है, यहाँ नंबर से आपको समझ में आ जाएगा. अगर सुबह के बिल्कुल जब सुबह सुबह उठते हैं उस समय अगर 4 o'clock है तो उसको 4 o'clock है अगर, तो 400 आवर्स बोलेंगे, 400 आवर्स. लेकिन शाम के 4 अगर बज रहे हैं तो उसको 1600 आवर्स बोलेंगे. ठीक, उसे ही शाम के 5 बजे को 1700 आवर्स, शाम के 6 बजे को 1800 आवर्स, शाम के 7 o'clock जब हो रहा है तो 1900 आवर्स. फिर वो जो रात होती है, रात के जब 8 o'clock हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं 2100 आवर्स. नाइट में जब 9 o'clock होता है उसको 2100 आवर्स बोलते हैं. नाइट में जब 10 o'clock होता है उसको 2200 आवर्स बोलते हैं, और इसको 2300 आवर्स, एंड 2400 आवर्स. ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप क्लॉक में देखोगे तो आपको कभी कभी ऐसा भी दिखता है. ठीक है, एएम पीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, मिडनाइट, मिडनाइट के बाद से एएम शुरू होता है और दोपहर के जो नून तक वो एएम रहता है, फिर उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है पीएम. दोपहर के नून के बाद स्टार्ट होता है आपका पीएम टाइम. ठीक, चलिए, तो अब हम इसमें हम जो है आगे इसको टाइम को बता रही हूँ आपको मैं. चलिए तो अब आगे करते हैं. अच्छा, आपको सोच रहे होंगे कि ये एएम और पीएम क्या है. ठीक है, एएम और पीएम क्या है, तो ये आप फिर ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाएगा, जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं मीनिंग बता देती हूँ. एएम होता है एंटी मेरिडियम और पीएम होता है पोस्ट मेरिडियम. तो ये अभी इससे आपको मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो रात के 1 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से पहले तक एएम होता है, और फिर दोपहर के जब 12 नून हो जाते हैं उसके बाद से पीएम टाइम शुरू होता है. ठीक, चलिए अब हम करेंगे कुछ क्लॉक्स के बारे में, कुछ टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. जो एक जो पॉइंट मुझे बताना था, एट दी आर दी लॉन्गर हैंड, लॉन्गर हैंड मतलब longer hand मतलब minute hand जो होता है. तो at the hour the longer hand always point at, always point at 12. ये आपको मैंने समझाया था, है ना, जब भी hour का time होता है तो जो longer hand है minute hand should always be on 12 and the shorter hand that is hour hand should be on some number, जिस number पे होगा उतना time हो रहा होगा. तो चलिए अब कुछ clocks को देख लेते हैं, मैं आपके लिए सारी clocks draw करती हूँ. हम first exercise जो है आपकी book का वो मैं आपको introduce कर रही हूँ. सर्कल्स आप चाहें तो क्लॉक्स को सर्कल्स में बना सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर में बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे. मैं आपको दोनों तरीका मैं आपको बता चुकी हूं. रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम इन स्पेस प्रोवाइडेड. क्वेश्चन क्या है, रीड द क्लॉक एंड राइट
write the time in the space provided. First clock here. चलिए, आपको मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लॉक बनाने का कि आप 12 और 6 घंटे बनाते हैं, 12:40 उसके नीचे 6 लिख लें, फिर उस दोनों साइड मार्क करके 3 और 9 लिख लें। ठीक, इसके बाद क्या होगा ना कि ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा ऐसे मार्किंग करना। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11 and your clock is ready. Same अगर आपको स्क्वायर में अगर बनाना है तो यू कैन यूज स्केल, मैं अभी ऐसे आपको रफ बता दे रही हूँ, यू कैन यूज स्केल। अगेन यू हैव टू मार्क दिस लाइक 12 and 6, यहाँ पे अब यहाँ पे करेंगे 9 and 3, फिर ऐसे ऐसे इधर उधर आपकी मार्किंग हो जाएगी। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11, तो आप दोनों में से जो भी आपको करनी है जो आप उसको अलग देख सकते हो। हमें आई एम गोइंग टू ड्रॉ द हैंड्स हियर एंड यू हैव टू रीड द टाइम। मैं यहाँ पर हैंड्स बनाऊंगी और आपको उसमें बताना है कि कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, नाउ रीड द टाइम। एज यू कैन सी 1 मिनट इज शॉर्टर एंड 1 इज लॉन्गर। लॉन्गर मिनट इज longer minute is at 12 and shorter minute is at 3. So what is the time? आपको मैंने बताया था shorter minute जिस भी number पे होगी you have to read that time. Only thing is that the longer hand, that is minute hand, should be on 12. So as we can see minute hand तो 12 पर ही है, तो shorter hand किस number पे है? It is on 3. So it is, the time is 3:00. इसको जीरो नहीं पढ़ना है, इट इज 3:00. वी रीड इट 3:00. नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, एक नेक्स्ट इसमें यस, नाउ the longer hand is at 12, that is minute hand is at 12 and the hour hand is on 5. The hour hand is on 5. So what is the time? Time is 5:00. 5:00. Okay, time is 5:00. Okay, is it clear? Let me draw one more for you. एक और बना देती हूँ। दिस इज द क्लॉक, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको इसे बनाना है। एंड द टाइम इज शॉर्टर है यहां पर है और लॉन्गर है यहां पर है। नाउ व्हाट इज द टाइम? यू कैन सी दैट द मिनट हैंड इज एट 12 एंड आवर हैंड इज एट 7। तो जो शॉर्टर हैंड है वो जिस नंबर पे होता है हमें वही टाइम रीड करना है। सो इट इज
7 o'clock. We will say 7 o'clock. Got it? 7 o'clock. Time is 7 o'clock. तो अभी आज हमने थोड़ा सा क्लॉक के बारे में जाना, क्लॉक के बारे में समझा. अब हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और क्लॉक्स में टाइम को रीड करना सीखेंगे. अभी तो आवर्स वाले टाइम सीख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग हाफ पास्ट टाइम भी सीखेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि हाफ पास्ट टाइम को कैसे रीड किया जाता है. आज के वीडियो को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अपने अगले वीडियो में हम मिलेंगे विथ सम मोर क्लॉक्स, सम मोर टाइम टू रीड एंड सम मोर एक्सरसाइजेस ऑल्सो. कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे. इसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं. आपको डेज ऑफ वीक भी पढ़ने हैं, मंथ्स भी पढ़ने हैं और सीजन्स भी पढ़ने हैं. तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इसको रिवाइज करेंगे एंड ऑल दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपने अगले वीडियो, नॉट इन द नेक्स्ट वीडियो बट इन द कमिंग वीडियोज, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव. वी विल नॉट हेस्ट. आप आराम से देखिए क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये ठीक से करना आएगा. ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में. वहाँ पर आपको आप प्रैक्टिस कीजिए. आप जैसा भी डाउट होगा यू कैन क्लियर दैट. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.